हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दोस्तों। लास्ट जो हमारा वीडियो सेशन हुआ था, जिसमें हमने वन टू वन डिस्कशन लाइव क्लास में एक क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी डोमेन्स रिक्वायर इन फॉरेस्ट। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कितनी डोमेन्स हमें जरूरत है एक फॉरेस्ट के अंदर। तो उस टाइम पे मैंने आपको आंसर दिया था, बट अभी क्या है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था सेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हम इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कितनी डोमेन्स हमारे लिए रिक्वायर हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमें कुछ यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं मैंने लिखा है, इनके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कितनी डोमेन्स हमें एक फॉरेस्ट के अंदर रिक्वायर है। तो सबसे पहला है, अगर स्मॉल हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, एक छोटी कंपनी है, तो सिंगल डोमेन पे पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। मल्टी डोमेन का सिनेरियो तब आता है जब हमारी ऑर्गेनाइजेशंस लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ठीक है। अब लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को हम कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसके पास लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विथ मल्टीपल डिपार्टमेंट, बिजनेस यूनिट, ठीक है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफिस, ठीक है, अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो आप नंबर ऑफ डोमेन्स के बारे में डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। और क्यों हम करते हैं, दिस अलाउ बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, ठीक है। अगर हमें मल्टीपल डोमेन चाहिए तो उसके लिए क्या है, बेनिफिट्स क्या होंगे कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म करने के लिए हम मल्टीपल चीजों को डेलीगेट कर सकते हैं मल्टीपल लोगों को, ठीक है। और डोमेन, नंबर ऑफ डोमेन के लिए कंडीशन जो है, कंडीशन नहीं बोले तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको रख के आप बना सकते हो। जैसे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे मान लीजिए एक कंपनी के दो ऑफिसेस हैं, दो कंट्रीज में, दो रीजन है, डिफरेंट रीजन्स में, तो आप वहां पर जो है डोमेन बना सकते हो। डोमेन, मल्टीपल डोमेन बनाने से फायदा क्या है और लॉस क्या है वो भी हम समझेंगे, ठीक है। तो ये है कंडीशंस कि आप बना सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क अगर आपको डिफाइन डिफाइन करने हो, मान लो एक यूएस में ऑफिस है, एक इंडिया में है, एक यूके में है, ठीक है, तो यूके वाली टीम यूके ईडी को हैंडल करेगी, ईडी डोमेन को हैंडल करेगी, इंडिया वाली इंडिया डोमेन को हैंडल करेगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम सिक्योरिटी एंड डेटा आइसोलेशन, ठीक है। सिक्योरिटी क्या हो गई कि अब इंडिया वाले की तो इंडिया डोमेन पे ही एक्सेस है, ठीक है, अगर उसका पासवर्ड लीक होता है, ठीक है, पासवर्ड लीक होता है या कोई इम्पैक्ट होता है, तो वो फिर इंडिया डोमेन में ही रहेगा, ठीक है, उससे यूके और यूएस डोमेन में इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। और डेटा आइसोलेशन का मतलब क्या हो गया कि जो है, डेटा आइसोलेशन का मतलब यहाँ पर हो गया कि होता है जैसे बहुत सारी कंट्रीज होती हैं जिनका डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, एक कंट्री के बाहर, तो वहां पर भी आपको डोमेन बनाना पड़ेगा पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। रिप्लिकेशन ओवरहेड, इसका मतलब क्या हुआ रिप्लिकेशन, ठीक है, अगर हम बहुत सारी डोमेन ऐड कर देते हैं, ठीक है, बहुत सारी डोमेन ऐड कर देते हैं अननेसेसरली भी, तो जरूरत है तो आप बना सकते हो, पर आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आप अगर ज्यादा डोमेन बनाने जा रहे हो, ठीक है, अननेसेसरली, तो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क बढ़ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव काम उतना बढ़ जाएगा, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसके लिए काम बढ़ जाएगा। मान लो आपने इंडिया में, हमारे कितने 27 स्टेट हैं, 27 28 स्टेट हैं, ठीक है, अगर हम हर एक स्टेट के लिए एक रिस्पेक्टिव डोमेन बना दे, ठीक है, तो हमें एक हर डोमेन के लिए एक आईटी बंदा रखना पड़ेगा। क्या आपकी कंपनी इसके लिए रेडी है, आईटी वाला बंदा जो एडी को मैनेज करेगा, या फिर आप में ही मैनेज करोगे, ठीक है। अगर मान लो दो आईटी के बंदे हैं मैनेज करने के लिए, ठीक है, उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लो उनको एक यूजर बनाना है हर डोमेन पे, एक ही सिंगल यूजर
बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, तो अब वो क्या 27-28 कंसोल पे लॉग इन करके बनाते रहेंगे, ठीक है। तो आपको ये भी सोचना है कि बिकॉज आप डिजाइन कर रहे हो, तो आपको ही सोचना है कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी कम हो, और दूसरा क्या है कि आपका काम भी हो जाए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ डोमेन ज्यादा बना देते हो, तो उसमें क्या होती है कि आपको फिर नंबर ऑफ डोमेन ज्यादा बनाओगे तो मतलब है डोमेन कंट्रोलर भी ज्यादा बनाने पड़ेंगे, ठीक है। डोमेन कंट्रोलर ज्यादा बनाने पड़ेंगे तो इसका मतलब है कि आपको नेटवर्क का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज रिप्लिकेशंस के इश्यूज आते रहेंगे, वो आप ही रिजोल्व करोगे, ठीक है। तो ये सारा डिजाइन करते समय हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भैया उसकी परफॉर्मेंस भी डाउन ना हो डोमेन कंट्रोलर्स की, ठीक है। रिप्लिकेशन ओवरहेड भी ना हो कि जो है भाई नेटवर्क का कोई, आपने मान लो डोमेन कंट्रोलर बनाते चले गए और इसके इसके बीच में नेटवर्क कनेक्टिविटी इतनी प्रॉपर नहीं है, तो भाई रिप्लिकेशन ओवरहेड हो जाएगा, रिप्लिकेशंस के इश्यू आएंगे, फिर रिजॉल्व कौन करेगा, आप ही करोगे, तो वो आपके लिए पेनफुल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे डोमेन कंट्रोलर की हमारी परफॉर्मेंस भी डाउन डाउन हो जाएगी। डोमेन कंट्रोलर की परफॉर्मेंस हमारी हार्डवेयर पे डिपेंड करती है, करेक्ट, कॉस्ट पे डिपेंड करती है। तो अगर आप प्रॉपर डोमेन कंट्रोलर्स नहीं सेट करते हो डोमेन के अंदर, तब भी प्रॉब्लम है, तो वो आपको थोड़ा सा इन चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। माइग्रेशन एंड लेगेसी कंसीडरेशन, ठीक है। एग्जिस्टिंग इंफ्रा स्ट्रक्चर, द नंबर ऑफ द डोमेन माइट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग लेगेसी सिस्टम आर इंटीग्रेशन विद अदर एप्लीकेशन, माइग्रेशन प्लान्स मस्ट बी टेक इनटू अकाउंट ड्यूरिंग डिजाइन, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग इंफ्रा को भी ध्यान में रख के डोमेन्स का सेटअप करना पड़ सकता है, हो सकता है कि आपको आगे चल के माइग्रेशन का भी प्लान करना पड़ जाए, ठीक है। तो आप एग्जिस्टिंग इंफ्रा के लोकल जो एप्लीकेशंस हैं उनके हिसाब से भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के करना पड़ेगा कि हाँ कौन सी डोमेन किस एप्लीकेशन के लिए है एग्जिस्टिंग। अगर सम लेगेसी एप्लीकेशंस हैं तो उनके अकॉर्डिंग ही आपको डोमेन बनानी पड़ेगी, ठीक है। डोमेन क्या होता है कि अब मैं थोड़ा सा इसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई आपका लेगेसी एप्लीकेशन है, ठीक है। लेगेसी एप्लीकेशन है ये जो ना कर्बरोस या एनटीएलएम इनके ओल्डर वर्जन को सपोर्ट करता है, और आपकी डोमेन है विंडोज लेटेस्ट 2023, ठीक है। और ये है हमारे कर्बरोस के लेटेस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये डिप्लॉय कर नहीं सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर डोमेन लेवल आ जाता है, फॉरेक्स फंक्शन लेवल आ जाता है, ठीक है। ऐसे में आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है डिसीजन लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजों को कंसीडर करना है। अब अगर हम यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं, रिप्लिकेशन वाला, ठीक है। क्या होता है दोस्तों कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये हमारी चाइल्ड डोमेन है, ठीक है, ये भी मान लीजिए चाइल्ड डोमेन है, ये हमारा फॉरेस्ट है, ठीक है। ये हमारा फॉरेस्ट डोमेन है और ये हमारी चाइल्ड डोमेन है नीचे, सी एच सी एच सी एच सी डी, चाइल्ड डोमेन सी डी सी डी, ठीक है। चाइल्ड डोमेन्स हैं ये। अब क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो रिप्लिकेशंस होता है, ठीक है, रिप्लिकेशंस होता है वो क्या होता है, पूरे फॉरेस्ट में कौन से पार्ट का पार्टीशंस का रिप्लिकेशन होता है, हमारा स्कीमा पार्टीशंस का पूरे फॉरेस्ट में, और कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशंस का, ठीक है। और एप्लीकेशन पार्टीशंस का डिपेंड करता है कि आपका डीएनएस जो है, डीएनएस डिपेंड करता है वो आपकी फॉरेस्ट डीएनएस जोन में है या डोमेन डीएनएस जोन में है, ठीक है। फॉरेस्ट डीएनएस जोन या डोमेन डीएनएस जोन, ठीक है। तो ये रिप्लीकेशन को भी आपको कंसिडर करना है, क्योंकि क्या है, ये जो मैंने तीन जोन्स बताई हैं, ठीक है, अगर ये डीएनएस हमारा फॉरेस्ट में, तो ये भी रिप्लिकेट करेगा चाइल्ड डोमेन के ऊपर, ठीक है, चाइल्ड डोमेन के पास। तो आपको यहाँ पर नेटवर्क बैंडविड्थ भी कंसीडर करनी है। सिर्फ एक डोमेन के अंदर जो पार्टीशन रिप्लिकेट करता है वो है डोमेन पार्टीशन, ठीक है, डोमेन पार्टीशन।
और एप्लीकेशन पार्टीशन डिपेंड करता है आपका डीएनएस अगर डोमेन जोन पार्टीशन में है, डोमेन डीएनएस जोन में है, ठीक है, डीएनएस जोन में, डोमेन डीएनएस जोन में, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी, ठीक है। और डोमेन जो पार्टीशन होता है वो उसका साइज ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि सारे यूजर्स कंप्यूटर्स, तो डोमेन पार्टीशंस जो रिप्लिकेट करेगा वो विद इन डोमेन करेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा बिफोर क्रिएटिंग एनी डोमेन। तो हो सक तो हालांकि ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।